फाइनली दोस्तों OnePlus 8 सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है OnePlus की तरफ से, और आने वाले 14 अप्रैल 2020 को इसका लॉन्च इंडिया के अंदर हो जाने वाला है 8:30 बजे शाम को, जो कि ऑनलाइन लॉन्च होगा, कोई भी फिजिकल लॉन्च नहीं होने वाला इस फोन का। फिलहाल आपको बताते चले कि सीईओ जो है OnePlus फोन के द्वारा बताया गया 3 बारी इसके लॉन्च डेट को बढ़ाया जा चुका है। आपको बताते चले OnePlus जो है 3 फोन लॉन्च करने की बात कर रहा है, जो कि तीसरा फोन अभी तक सही तरीके से मार्केट के अंदर इसके ऊपर लीक्स ज्यादा नहीं आए हैं। OnePlus 8, OnePlus 8 Pro और साथ ही साथ OnePlus 8 Lite। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus 8 Lite के बारे में, जिसके बारे में सबसे कम इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है और साथ ही साथ इसके ऊपर कोई भी लीक ज्यादा नहीं आया है। OnePlus 8 Lite हो सकता है कि OnePlus Z के नाम से मार्केट के अंदर आए। जब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के अंदर जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ फीचर्स आपको सिमिलर लगे जो कि Oppo के द्वारा Find X2 लॉन्च किया गया था उसकी तरह से। अभी OnePlus 8 और 8 Pro का डिजाइन अगर आप देखते हैं तो सिमिलर टाइप का फ्रंट डिजाइन देखने को मिलता है Find X2 के जैसे। जैसा कि आपको पता है कर्व डिस्प्ले है, साथ ही साथ एमोलेड स्क्रीन है, और इसके अलावा जो पंच होल है वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस 8 और 8 Pro के अंदर ये है कि दोनों फोन आपका सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन एक फोन के अंदर जो कि 8 है उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, वहीं पे 8 Pro के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज के बारे में अगर बात करें तो Find X2 का जो स्मूथ रनिंग है वो किसी फोन में अभी तक देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि डिस्प्ले साइज OnePlus 8 Pro का 6.78 इंच का होने वाला, जो कि क्वाड HD प्लस होने वाला है। OnePlus 8 के अंदर जो ये डिस्प्ले होगा वो 6.5 इंच का होगा और इसके अंदर फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा देखने को आपको। ये कलर वेरिएंट जो अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर OnePlus 8 Pro में वो ब्लू, ग्रीन और ब्लैक होंगे, वहीं पे आपको OnePlus 8 में ब्लैक और ग्रीन के अलावा एक मल्टी कलर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं OnePlus 8 Pro और 8 में, वो ये हैं कि रैम जो दिया जा रहा है 8 Pro के अंदर आपको दिया जा रहा है LPDDR5 जो कि लेटेस्ट रैम है, वहीं पे आपको OnePlus 8 के अंदर आपको देने वाले हैं LPDDR4X। दोस्तों 8GB और 12GB वेरिएंट में दोनों फोन आएंगे, और इसके साथ साथ इनके जो अंदर स्टोरेज होने वाला है वो 128GB और 256GB का होने वाला है। स्नैपड्रैगन का 865 का 5G प्रोसेसर लगा होगा दोनों फोन के अंदर, जो कि फोन को बिल्कुल स्मूथ बनाएगा चलने के लिए, और साथ ही साथ फोन आपका आज की डेट में लेटेस्ट होगा प्रोसेसर के मामले में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो OS 10 दोनों फोन के अंदर आपको इंस्टॉल मिलेगा और दोनों फोन उसी के ऊपर काम करेंगे। मेन कैमरा के बारे में अगर बात करते हैं तो OnePlus 8 Pro के अंदर जो कैमरे दिए जा रहे हैं वो थोड़े अलग हैं अभी तक जितने भी फोन लॉन्च हुए इसके हिसाब से। अभी तक जो भी फोन आपके पास लॉन्च होते थे उसके अंदर आपको ज्यादातर फोन के अंदर एक कैमरा मिलता था जो कि 48 या 64 मेगापिक्सल का होता था, लेकिन यहाँ पे आपको दो कैमरे मिल रहे हैं जो कि 48 मेगापिक्सल को होने वाले हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक मेन कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, जो कि होगा IMX689, साथ ही साथ IMX586 के साथ दूसरा कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए होगा वो भी 48 मेगापिक्सल का होगा। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है, और 5 मेगापिक्सल का जो 8 प्रो के अंदर आपको कैमरा दिया जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब 5 मेगापिक्सल के बारे में बताया जा रहा है कि ये कलर फिल्टर आपके फोटोग्राफ्स को अच्छा करेगा, वीडियोग्राफी के जो आपके एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया करेगा, और साथ ही साथ सिनेमैटिक फोटोग्राफी आप आराम से कर सकेंगे इससे। इस तरीके का फोटो लेंस अभी तक किसी भी फोन के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, ये एक OnePlus की तरफ से बहुत बड़ा कदम है जो कि आने वाले टाइम के अंदर बाकी फोन्स में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं OnePlus 8 के बारे में, तो मेन कैमरा होने वाला 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 60 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा होने वाला है। दोस्तों दोनों फोन के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, और पंच होल डिस्प्ले के साथ साथ आपको जो कैमरा मिलता है सेल्फी के लिए वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है। OnePlus 8 Pro के अंदर आपको 4510 एमएएच की बैटरी मिल रहा है, वहीं पे OnePlus 8 के अंदर आपको 4300 एमएएच की बैटरी मिलने की ऐसी अनुमान लगाई जा रही है। दोस्तों OnePlus 8 Pro के अंदर 30 वाट का रैक चार्जर मिलेगा, जो कि आपको OnePlus 8 में भी मिलेगा, लेकिन OnePlus की तरफ से बोला जा रहा था कि वो लोग अभी तक वायरलेस चार्जिंग इसलिए लेके नहीं आए थे क्योंकि वायरलेस चार्जिंग के अंदर जो वाट कैपेसिटी होती है कम होती है और फोन स्लो चार्ज होता है, लेकिन इस बार OnePlus 8 Pro की तरफ से जो फास्ट चार्जिंग की कैपेसिटी दी जा रही है वो 30 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग के साथ दी जा रही है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से इनोवेशन हो सकता है OnePlus के मार्केट में, और जो कस्टमर्स हैं OnePlus के वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे। OnePlus 8 Pro के अंदर एक और खूबी दी जा रही है जो कि 3 वाट का रिवर्स चार्जिंग हो सकता है, जिससे आप किसी और फोन को इससे रिचार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइसिंग की। प्राइस को बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि OnePlus ने पहले ही बोला हुआ है कि वो IP68 रेटिंग इससे नहीं लेते कि फोन का रेट होता है वो बढ़ जाता है, और डस्ट और पार्टिकल्स को बचाने के लिए, वाटर ड्रॉप से बचाने के लिए IP68 की रेटिंग जरूरी होती है। तो अभी OnePlus 8 Pro की तरफ से IP68 की रेटिंग ले ली गई है, लेकिन वहीं पे OnePlus 8 में IP रेटिंग नहीं ली गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि कह रहे हैं कि प्राइस थोड़ा कम रहेगा IP रेटिंग नहीं लेने का, लेकिन आपको फैसिलिटी तो सारी मिलेंगी। अब एक और बात निकल के आ रही है कि OnePlus 8 Pro में जो कैमरा पंच होल दिया जा रहा है एमोलेड के साथ, इससे प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे IP रेटिंग के कारण
हो सकता है कि जो आपका पॉपअप सेल्फी कैमरा था इसलिए नहीं दिया हो, क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा के अंदर डस्ट पार्टिकल जाने के ज्यादा डर होते हैं, इसलिए IP68 रेटिंग उसकी नहीं की जा सकती। दोस्तों इस तरह की बातें मार्केट के अंदर चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए था। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड जो है वन प्लस 8 प्रो और 8 का बहुत ज्यादा होने वाला है, जो कि वो कंपनी ऐसा दावा कर रही है। जहां पे आपका लाइट जो है ऑल टाइम ऑन रहेगा फोन का, और साथ ही साथ इसका जो रिजोल्यूशन होने वाला है अभी तक का सबसे बेस्ट होने वाला है। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो जो सुपर सैफ टीवी है उनके तरफ से प्राइस को थोड़ा सा अनुमान लगाया गया है, और अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 8 प्रो का जो प्राइस होने वाला है 70,000 से 75,000 रुपए के आसपास होने वाला है, वहीं पे वन प्लस 8 आप लोग के लिए अवेलेबल होने वाला है 50,000 से 55,000 रुपए के आसपास में। ये बिल्कुल अनुमान है, मैं आप लोग को अनुमान बता रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए क्या आप वन प्लस 8 प्रो या 8 खरीदने के इच्छुक हैं। अगर कोई बजट फोन आता है तो वन प्लस जेड के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल तकनीकी सार जो पहला वीडियो लेके आया था वन प्लस के ऊपर ही लेके आया था, आज वन प्लस के ऊपर फिर से वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को कोशिश कर रहा था कि अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है वो दूँ, तो मैंने कोशिश करी है।